एक सच्चा और पवित्र प्रेम, आपका प्रेम हमेशा से झुकने को राजी हो जाए। आपके प्रेम के लिए आपके अंदर वो पेशेंस, वो धैर्य होनी चाहिए। सिर्फ इच्छाओं की प्राप्ति हो जाना या फिर किसी व्यक्ति को वस्तु बना लेना प्रेम नहीं है। 10 पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आप प्रेम की डेफिनेशन को बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करें। प्रेम तो रत्ती रत्ती संभल कर चलता है, इंच इंच संभल कर चलता है। वो देखता है सामने वाला कितना दूर तक चलने को राजी है, उससे इंच भर भी ज्यादा नहीं चलता। आप किसी को प्रेम जाहिर करने पर अगर सामने वाले से ना आए तो इससे नाराज नहीं हो जाते, बल्कि प्रतीक्षा करते हैं। उन्हें पता है कि सामने वाला को भी पूरा अधिकार है, उसे पूरी स्वतंत्रता है। आपका पार्टनर इतना ऊंचा हो कद से नहीं, अपने गुणों से और अपने कर्मों से, कि सिर्फ सम्मान का ही नहीं श्रद्धा का भी पात्र हो। आपकी जो असली तरक्की में आपके साथ हमेशा खड़ा रहे, जिस रास्ते पर जाकर तुम एक बेहतर इंसान बन सको, एक ऊंचाइयां हासिल कर सको, तुम्हारी चेतना साफ हो, उसका विकास हो, जिस जगह पर तुम वो सुकून, वो शांति, मुक्ति मिल जाए, वो सच्चा प्रेम है। एक संत के दृष्टिकोण से प्रेम क्या है? आपके अंदर एक कशिश है, लगातार एक संशय, एक अविश्राम की स्थिति है, अंदर कुछ अपूर्ण है, कुछ तकलीफ है, जिया नहीं जा रहा, सांस नहीं आ रही, हर वक्त बेचैनी सी है, ये होती है सच्ची प्रेम एक संत के निगाह से। प्रेम तो कुछ भी नहीं मांगता, सिर्फ देना जानता है। स्वतंत्रता, आपको सहारा, सुख, सब कुछ देने का नाम ही प्रेम है। समाहित प्रेम शब्द में ही ये समाहित है कि दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों का ध्यान रखना, यही सच्चा प्रेम है। प्रेम तुम्हारी चेतना की मूल तड़प का नाम है। चेतना मीन्स ज्ञानमूलक मनोवृत्ति, वो तुम्हारे अंदर हमेशा से है। किसी को प्रेम करना, उसके बाद विवाह के बाद घर में बंदी बनाकर रख देना, घर में सारी चीजों का इंतजाम हो, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा पीना, और ऊपर से आप ये भी एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला इंसान आपको समझे, आपको कभी नहीं समझेगा, आपके काम को भी कभी नहीं समझेगा। जब एक इंसान को आप समझने ही नहीं दोगे, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करके उसे घर में बंद करके रख दोगे, तो जो भी उसके अंदर बुद्धि थी वो भी विकसित नहीं हो पाएगी। दोस्तों, क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप लोग असली प्रेम, जो पवित्र, जो सच्चा प्रेम होता है, उसको समझ पाए? और एक भी पॉइंट आप लोगों ने मिस नहीं किया? तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।